प्योर शहद होगा तो वो इसमें घुलेगा नहीं, जाके नीचे बैठेगा। जैसे हम शहद डालें, ये पूर्ण रूप से देखो कैसे नीचे बैठ गया। नोट पे डाल के चेक कराऊंगा, अगर शहद असली होगा तो नोट नहीं चलेगा। ये देख लो, इन बोतलों में शहद रखा गया, तो भाई साहब ये असली शहद है क्या? जी ये बिल्कुल असली है। तो भाई साहब हम कैसे मान लें, आपने बोतल में बंद करके रख दिया, हम कैसे माने असली शहद है? बहुत सारे मिलावटी शहद है बाजार में, लोग नहीं यकीन कर पाते, वो नहीं जान पाते कि असली है या नकली है। आजकल चीनी से बना हुआ सिरप वाला शहद चल रहा है, चाइनीज सिरप है तो लोग नहीं यकीन कर पाते, लेकिन इसकी बहुत सारी पहचान है असली शहद की। पहली तो बात, हमारा अपना खुद का ये काम है, हमारे बी फार्म है, हम खुद अपने हाथ से शहद निकालते हैं। आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ, अपने बी बॉक्स लगे हैं यहीं पे। तो भाई साहब ये जितना भी करेट रखा हुआ है सबके अंदर शहद पालते हो क्या? इन सब में शहद पालते हैं जी। ये देखो जी, एक करेट भैया ने खोल के दिखाया है और इसके अंदर कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं और इसी में ये मधुमक्खियाँ बनाती हैं शहद। तो भैया कितना टाइम लगता है शहद बनाने में? इसमें 15 से 20 दिन लगता है जी एक क्रॉप में। अच्छा 15 से 20 दिन लग जाते हाँ हैं जी। तो ये देखो भाई, यहाँ पर एक शीट निकाली है भैया ने और कितनी और सारी मधुमक्खियाँ हैं। सौभाग्य से आपको क्वीन के भी दर्शन होंगे, ये क्वीन होती है। तो ये देखो भाई, ये रानी मधुमक्खी है। रानी मधुमक्खी है जो केवल अंडा देने का काम करती है, बाकी ये सब वर्कर है जो शहद लाता है। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसमें अपना हनी तैयार होता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखो, ये प्योर हनी, एकदम नेचुरल हनी। अरे वाह। और ये कौन से प्रजाति की मधुमक्खियाँ होंगी? ये इटालियन बीज होती हैं, एपिस मेलिफेरा इसका नाम होता है। यही पालतू नस्ल होती है, इसे ही पाला जा सकता है। और ये हिस्सा अपना पूरा शहद का होता है, बन चुका जो सफेद वाला हिस्सा है। जी जी जी, ये सफेद वाला हिस्सा। तो अभी ये इस टाइम ओरिजिनल शहद है? ये बिल्कुल प्योर सर, 100% प्योर। आप ये हमारे सामने दिखा दो और बोतल में कुछ और बंद करके दे दो। हाँ हाँ, तो कैसे यकीन दिलाओगे कि असली शहद होता है? असली और नकली शहद में फर्क बताओ। देखो वैसे तो इसका टेस्ट सही तो लैब में होता है, लेकिन कोई एक किलो शहद ले रहा हो लैब में कैसे जाएगा? बिल्कुल, इसके एक नॉर्मल से टेस्ट होते हैं 3-4। तो करके दिखाओ थोड़ा। हाँ बिल्कुल, आइए। ये नॉर्मल पानी लिया हमने। अच्छा, और अगर प्योर शहद होगा तो वो इसमें घुलेगा नहीं, जाके नीचे बैठेगा। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिएगा। जैसे हम शहद डालें, ये पूर्ण रूप से देखो कैसे नीचे बैठ गया, ये देखो आप देख सकते हैं। तो ये असली शहद होता है? बिल्कुल असली शहद होता है। और जो नकली होता है? ये नकली होता तो ये नीचे तक ना पहुँचता, ये ऊपर पानी में घुल जाता। ये आप देख सकते, ये देखो जितना मैंने शहद डाला पूरा आपको दिखाई दे रहा नीचे बैठा हुआ। तो ये असली की पहचान होगी? बिल्कुल असली की पहचान है सर। और भैया अगर नकली होगा वो भी तो हो सकता है ऐसे? नहीं नहीं सर, नकली नहीं होगा। नकली अगर शहद का गुण है, अगर हम उसमें कुछ मिलाएंगे तो वो पानी में रुकेगा ही नहीं, वो घुल जाएगा। और इसके अलावा और भी पहचान होती है? इसके अलावा बहुत सारी पहचान है। करके दिखाइए थोड़ा। जैसे कि हम नोट पे डाल के नीचे लाइटर से आग लगाते हैं, तो अगर असली शहद है नोट नहीं जलेगा, केवल शहद उबल जाएगा। नोट पे डाल के चेक करवाओगे? नोट पे डाल के चेक कराऊंगा, अगर शहद असली होगा तो नोट नहीं जलेगा, केवल शहद उबलेगा। और नो अगर शहद नकली हुआ तो नोट जल जाएगा? नोट जल जाएगा बिल्कुल। भाई ये देखो, अब टेस्ट होने वाला है। देखो देखो, तो भाई ये देखो, नोट के नीचे यहाँ पर आग लगा दिया गया है और यहाँ पर नोट नहीं जल रहा, शहद उबलेगा। भाई ये देखो, और नीचे की तरफ मैं दिखा दूँ, बंद हो गया आग, तो बंद हो चुका है। ये देखो भाई, इतना ही काफ़ी है। देखो गर्म हो गया पूरा। अच्छा गर्म हो गया, हाथ लगा के देखो, आप उंगली डाल के देखो, शायद पूरा गर्म हो चुका है, पूरा गर्म। तो भाई ये असली की पहचान होती है? देखता आप, नोट बिल्कुल साफ सुथरा है, ये असली शहद की पहचान है।